नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, खेती में पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का उपयोग कम करना इस समय रंग लाने लगा है। आपको बता दें कि हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब तक देश में 19 लाख से ज़्यादा किसान जैविक खेती में जुड़ चुके हैं। वहीं इस प्रक्रिया में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ने के लिए PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर आपको प्राकृतिक खेती करने के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यही वजह है कि इसके लिए सरकार ने 1,632 करोड़ रुपये आवंटित भी किए हैं। आपको बता दें कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये सहायता देने की 3 साल की योजना बनाई है, जिसमें 31,000 रुपये जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट के लिए तय किया गया है। यही वजह है कि इस समय जैविक उर्वरक का उत्पादन बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां साल 2013-14 में ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन 2,294 लाख मीट्रिक टन था, वहीं आज 3,387 लाख मीट्रिक टन है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र हासिल करना होगा, जिसमें मिट्टी, खाद, बीज, पैकिंग, कटाई व भंडारण सहित हर कदम पर जैविक सामग्री ही जरूरी है, जिसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं एपिडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनिक फूड की सैंपलिंग और एनालिसिस के लिए 19 एजेंसियों को मान्यता दी है। एक दिन पहले तक आलू की खेती करने वाले किसान के दोनों हाथों में लड्डू थे। आलू के बाजार रेट और लागत में बड़े अंतर के चलते ज्यादा मुनाफे की उम्मीद दिखाई दे रही थी। बीते कई सालों में पैदावार भी अच्छी हुई थी, लेकिन 5 मार्च को आसमान से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर गया, जिसके चलते आलू के सड़ने का खतरा भी बढ़ गया। जो आलू सड़ेगा नहीं वो काला पड़ जाएगा। ऐसे में आलू के दाम कम हो जाएंगे और इस बार आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि बाजार में आलू की खरीद 750 से 700 रुपये 50 किलो बोरी पर चल रहा है, जिससे हर एक बोरी पर 75 से 125 रुपये का मुनाफा होने की पूरी उम्मीद अभी तक बनी हुई। लेकिन खेतों में पानी भर जाने के कारण 15 दिन से पहले जमीन में दबे आलू का हाल मिलना मुश्किल है। बता दें कि अभी इस समय आलू को जमीन से खोद कर निकालना काफी मुश्किल है। ऐसे में बारिश के कारण आलू के खराब होने का जोखिम ज्यादा बढ़ गया है। यूपी और पंजाब में ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक लौकी अपनी साइज के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। वाराणसी से ये तस्वीरें रंगभरी एकादशी से सामने आई, जब बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की पालकी यात्रा निकल रही थी। इस दौरान एक किसान चढ़ावा चढ़ाने महंत के घर 5 फीट लंबी 2 लौकी लेकर पहुंचा। किसान के हाथों में इतनी बड़ी लौकी देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। किसान भी लौकी के साथ भोलेनाथ की बारात में शामिल हुआ। 5 फीट वाली इस लौकी को लेकर वाराणसी आए किसान प्रकाश रघुवंशी जखवनी गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खेत में इस लौकियों को उगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अपने खेत में जिस खाद का प्रयोग उन्होंने किया वो काशी विश्वनाथ मंदिर के निकलने वाले फूलों से तैयार किया गया है। इसके लिए वो आस्था के तौर पर ये लौकी यहाँ चढ़ाने लाए हैं। आपको बता दें कि ये लौकी वाराणसी के स्थानीय बीज की है और इसका इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। साथ ही हर्बल खाद से तैयार हुई इस लौकी के कई फायदे भी हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रीन टीवी इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी खबरें आपको समय रहते मिल जाया करें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।